हेलो, एक्चुअली तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ अंजलि दीदी? वो बात ये है कि प्यारे भाई का नाम अभी तो प्यारे लाल है, पर दो दिन पहले तक उनका नाम पोपट लाल था। वो एक्चुअली उनकी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए मादी भाभी के ज्योतिषी विनु काका ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए तो अपना नाम बदल दे। तो बस इसलिए उन्होंने अपना नाम पोपट लाल से प्यारे लाल रखा। और ये बात हम तुम्हें शगुन विधि के पहले बताना चाहते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, अच्छा हुआ ना नाम बदला। मुझे प्यारे लाल नाम बहुत पसंद है। थैंक यू। तो मिलते हैं आज शाम 4 बजे। हाँ, ओके, बाय बाय, सी यू। ओके, बाय। प्यारे भौजी, आपके लिए प्यारे लाल नाम ही लकी है। जब से रखा है तब से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, देखा है? बबू, और तेरा शगुन का रास्ता तो एकदम क्लियर हो गया, ना कोई रुकावट और ना कोई स्पीड ब्रेकर। अब तेरी गड्डी चलेगी टॉप स्पीड में। एक मिनट, एडिटर सर का फोन है। हेलो सर। अरे क्या सर, मेरा सर फटा जा रहा है। पोपट लाल, तुमने अभी तक आर्टिकल भेजा नहीं। अरे सर, पहली बात तो पोपट लाल नहीं, प्यारे लाल। और दूसरी बात, एक गुड न्यूज है, मेरा रिश्ता तय हो गया है। और लड़की वाले आज 4 बजे शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, नाम बदलने से फायदा हो गया। तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नहीं, ऐसे फोन पर बधाई देने से नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा आशीर्वाद देने। अरे मगर मेरी बात, और वार कुछ नहीं, आप 4 बजे से पहले गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में पहुंच जाइए। ओके ओके, थैंक यू सर, मेरे सर भी आ रहे शगुन के लिए। जूली जी का फोन। उसको क्या है भाई, ये कल्पना ने कहीं उसको फोन करके? अरे बाप रे, फिर तो ये मुझ पर पुलिस केस कर देगी। स्पीकर ले लो। हेलो जूली जी। हेलो पोपट लाल जी, ये सब क्या हो गया? वही जिस बात का डर था, कल्पना को मैंने अपना नाम पोपटलाल से प्यारे लाल किया, ये बात पसंद नहीं आई तो वो रिश्ता तोड़कर चली गई। सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, इतनी सी बात पे कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ता है। ये तो नादानी है। आप फिकर मत कीजिए, आपके लिए हम लोग बहुत जल्दी दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे। नहीं, जूली जी, दूसरा रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी और लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय हो गया है और आज लड़की वाले 4 बजे शगुन लेकर आ रहे हैं। आपको और आपकी होने वाली पत्नी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जूली जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जूली जी। आश, प्यारे भौजी, देखा प्यारे लाल नाम का चमत्कार, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बीनू काका, थैंक यू। अरे हाँ जेठालाल, मुझे प्यारे लाल नाम बावरी ने दिया है, और नट्टू काका और बागा हमारे गोकुलधाम परिवार के सदस्य की तरह ही है, तो उन्हें भी निमंत्रण दे देते हैं। हाँ ठीक है, बुला लो। मैंने फोन लगा दिया। ये लीजिए आपका बिल। थैंक यू मैडम, विजिट अगेन। नट्टू काका, पूरे 15,000 है। पोपट भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। भगवान आपकी और कल्पना की जोड़ी हमेशा खुश रखे। अरे थैंक यू, पर नट्टू काका, अब जोड़ी बदल गई है। शगुन कल्पना के साथ ही सपना के साथ हो रहा है। लेकिन शगुन तो कल्पना से होने वाला था ना। अरे पोपट लाल, एक मिनट फोन। नट्टू काका, वो मैं दुकान आकर सब विगतवार समझाऊंगा, हाँ ठीक है? अच्छा, ओके सेठ जी, ओके। हाँ, आप बस 4 बजे गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में शगुन विधि के लिए आ जाइए। पोपट भाई, निमंत्रण के लिए थैंक यू।
लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे सेठ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेठ जी, हाँ आ जाओ आ जाओ। एक काम करो, ओ मगन को दुकान में बिठा के एक आध घंटे के लिए इधर आ जाओ। लेकिन सेठ जी, मगन तो डिलीवरी के लिए गया है। बागा और बावरी शगुन में जरूर आएंगे, मैं दुकान संभाल लूंगा। थैंक यू। ठीक है, ऐसा करो, ठीक है चलो। ठीक है बागा, तो फिर बावरी जी और तुम 4 बजे गोकुलधाम की क्लब हाउस में आ जाना। ओके पोपट भाई, थैंक यू। थैंक यू। बागा बॉय, जल्दी से घर पहुंचो, तैयार हो जाओ और बावरी को पिकअप करके गोकुलधाम पहुंच जाओ। आई आई सर। चलो अभी शगुन की जगह, निमंत्रण और समय तय हो गया है, तो टप्पू से ना क्लब हाउस में तैयारी शुरू करो, हम सब भी रेडी होके आ जाते हैं। मिलते 4 बजे। 4 बजे। बरसों से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। अरे कहाँ छुपी हुई थी अब तक? मैं, मेरा गोकुलधाम परिवार और हमारा शानदार सजा हुआ क्लब हाउस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। येलो थीम का डेकोरेशन कितना अच्छा किया है, और वो भी कितना कम टाइम में। हाँ। चल, इतनी गड़बड़ के बाद भी डिब्बे का। बाबूजी, प्यारे लाल। हाँ, प्यारे लाल और सपना बेटी के शगुन का दिन आ गया। आ गया। हाँ, वो तो आना ही था ना चाचा जी, आज के दिन के लिए हमारे पत्रकार जी ने कितने पापड़ बेले थे। सही बात है। मैं जरा चाट खा कर आता हूँ। हाथी भाई, अभी से? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टेस्ट करके आता हूँ, वो देखना पड़ेगा ना, खट्टा मीठा तीखा सब बराबर है कि नहीं। वो कैटरिंग वाले को मैंने बुलाया है। ओ अच्छा, बाबूजी कैटरिंग वाले को हाथी भाई ने बुलाया है? तो सुना मैंने। अच्छा, पर हाँ सर, अगर सब ठीक नहीं होगा तो फिर आके ही मुझे लोग बोलेंगे कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, इसलिए टेस्ट करके आता हूँ। थैंक यू हंस। बाबा मैं भी आपके साथ आता हूँ, आने में थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी है। आजा आजा आजा। टेस्ट कराइए। वाह वाह, बहुत ही टेस्टी है, पास। क्या खाना है, वाह क्या पानी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। हाँ मतलब खत्म हो गया सब? नहीं नहीं है, मतलब बढ़िया टेस्ट है। हाँ है ना, बस तो ये प्यारे भाई का नसीब भी बहुत शरारती है। कहाँ दोपहर को कल्पना जी के साथ शगुन होने वाला था, और अब देखो सपना जी के साथ हो रहा है। अभी कल्पना वाला चैप्टर भूल जाओ और प्यार लाल और सपना के ऊपर फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, देखो मैं तो कहता हूँ आज ये शगुन होते ही आप सपना के माँ बाप से बात करके तो सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा के चट मंगनी पट ब्याह करवा के हमारे प्यारे लाल को ठिकाने लगा ही देते है। ठिकाने लगा देंगे मतलब? अरे जेठालाल, क्या ठिकाने लगवा देंगे, ये गलत वाक्य है भाई, ऐसा बोलो कि सुखी संसार की शुरुआत करवा देंगे। आते मंजे ते जो हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि ठिकाने पड़ी दी है। अपन आलो को ना समझे। सॉरी। हां सभी तो आ गए, दूल्हे राजा कहाँ है? वो अरे हाँ आ गए। अरे ये तो ये आ गया। कांग्रेचुलेशंस प्यारे प्यारे लाल जी का। अरे तो चमत्कार हो गया, बावरी ने प्यारे लाल का सही नाम बोला। सेठ जी, बावरी जी ने तो नाम रखा है। अच्छा बोलो। ये क्या सेठ जी, प्यारे भाई ने आपने हमें बताया नहीं कि पीले कपड़े पहन के आना है।
अरे हाँ सॉरी, ध्यान भर रह गया। लेकिन टेंशन मत ले भाई, तू पीले कपड़े पहन के नहीं आया तो इधर कोई फाइन नहीं है। ओ यारो, वो अपने दूल्हे राजा है कितने? अरे आ गया आ गया आ गया। आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो। चाचा जी, हमारे प्यारेलाल की एक ही मनोकामना थी जीवन की, उसकी शादी। उसकी शुरुआत हो चुकी है अभी। हाँ भाई दूल्हे राजा, आज तो चमक रहे हो एकदम। लेकिन मुझसे ज्यादा हमारा क्लब हाउस चमक रहा है। टप्पू सेना, अब्दुल मिया, क्या गजब डेकोरेशन किया है। तो मेरी शादी का डेकोरेशन भी आप लोग ही करोगे। थैंक यू। लेकिन सगाई और शादी का चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा। अरे चलेगा चलेगा, मैंने शादी डेकोरेशन फंड अलग से ही रखा है। और हाँ, एक और खास बात, सपना को प्यारे लाल नाम बहुत पसंद है, तो आप लोग प्लीज मुझे प्यारे लाल कहकर ही बुलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब समझ गए हैं कि प्यारे लाल नाम तुम्हारे लिए बहुत लकी है। हाँ बहुत लकी है। थैंक यू बावरी, ये प्यारे लाल नाम देने के लिए। वेलकम। फिर है मादी भाभी, आप लोगों को स्पेशली थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरा शगुन हो रहा है। प्यारे भौजी, थैंक यू कहना है तो विनू काका को कहिए। हाँ, अरे उनको तो थैंक यू बोलने के लिए मैं बैंगलोर जाऊंगा। मेरा बस चलता तो आज की शगुन विधि में उनको बुला लेता, लेकिन टाइम थोड़ा कम था, शादी में पक्का बुलाऊंगा। लेकिन उनको मैं किनकी वजह से जानता हूँ? आप लोगों की वजह से, इसलिए आपको स्पेशल थैंक यू। वेलकम। नहीं, निमित्त तो वही बने ना, उनको लाया तो मतलब आया तो आपके घर पे ही ना। प्यारे लाल। अरे सर आइए आइए, प्लीज आइए आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, आइए आइए आइए। ये मेरे एल्डर साहब है और ये मेरा गोकुल धाम का परिवार। नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी शगुन विधि के लिए आए। अरे बरसों के बाद तुम्हारे रिश्ते की मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो आना तो था ही ना। अभिनंदन। थैंक यू। चार बजने को आ गए, लड़की वाले कहाँ तक पहुँचे? मेहता साहब, चार बजे का ही बोला था ना। हाँ जरा फोन करके देखिए ना, वो कहाँ पहुँचे। हमारे प्यारे लाल भाई सपना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लो आ गया उनका मैसेज, 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। अंजलि, उन्हें रिसीव करने जाएं? हाँ, हम भी साथ में आते हैं। मैं भी चलता हूँ। अरे ओ, ओ प्यारे लाल, रुको रुको भाई, आज आप दूल्हे राजा हो, आप इधर ही खड़े रहो, जरा मान मा रहे हुँ जाए वर राजा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप लोग जा कर आओ भाई, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। रुक जाइए रुक जाइए, मैं बोलूंगा तभी बजाना। हम लोग मेहमान नहीं है, मेहमान भी तो आएंगे, आते होंगे। देखो सपना, सभी ने तुम्हारी फेवरेट येलो थीम के कपड़े पहने हैं। हाँ हाँ, क्यों ना पहने, हमारी होने वाली महिला मंडल की मेंबर का फेवरेट कलर जो है। ओए अब बजाओ डोले। परिवार आपके परिवार का स्वागत करता है।
नाथ बहुत बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू। हाँ पर हमारे प्यारे भाई के स्माइल से सुंदर नहीं। अंजलि भाभी एक मिनट, इससे पहले कि आप शुरुआत करें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक म्यूजिक सेक्रेटरी आप सभी का आज के इस गोकुलधाम क्लब हाउस में हो रहे पत्रकार प्यारेलाल जी और कुमारी सपना जी के शगुन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम सबकी ओर से प्यारेलाल जी और सपना जी आप दोनों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज हम गोकुलधाम वासी और सपना उसके परिवार वालों के लिए बहुत 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 बड़ा खुशी का दिन है। और आज हमारे सिंगल प्यारे भाई आज के बाद सिंगल नहीं रहेंगे क्योंकि वो सपना के साथ जोड़ी में बंधने वाले हैं। तो मैं ममता आंटी से विनती करता हूँ कि हमारे प्यारे लाल और सपना की शगुन विधि प्रारंभ करें। ना गार्डन संभालिए सर प्लीज। किसको संभालो, इसको संभालो कि इसको संभालो। वो तुसी तो पोपू के खास हो, वो आपको तो खास करके येलो कपड़े पहनने चाहिए थे। अरे मेरे को मालूम नहीं था येलो थीम है, नेक्स्ट टाइम थीम जान के ड्रेस पहनूंगा। नेक्स्ट टाइम इसका मतलब है कि तुसी पोपू की शगुन विधि दोबारा कराना चाहते हो? नहीं की है? किसको संभालो। मलक मलक हो रहा है चेहरा पोपट लाल का, प्यारे लाल का। माधुरी जी अब बस पोपट भाई की शादी जल्दी हो जाए और हमारी भी। बापू जी आखरे प्यारे लाल नु गोठो आई गयो। डिब्बे ने सांसारिक जीवन में पहला कदम रख दिया। रख दिया। शगुन की विधि तो हो गई, एक और विधि बाकी है वो कर ले। पर्दा विधि। हाँ अभी कौन सी विधि बाकी है? वो हंस पेट पूजा विधि के बारे में बोल रहे हैं। सही बात है। सॉरी आंटी अंकल, पेट पूजा विधि से पहले एक और विधि बाकी है। कौन सी? और डांस सेलिब्रेशन विधि।
पर जिस तरह से बारिश का मौसम आ गया ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में खुशियों का मौसम छा गया है। हमारे पोपट प्यारे लाल की शगुन की विधि चल रही है। भीनू काका की बात सच हो गई, प्यारे लाल का सपना सपना के साथ पूरा होने जा रहा है। प्यारे लाल के रिश्ते में कितनी सारी कठिनाइयां आई, कभी स्पीड ब्रेकर आए तो कभी बड़े मोड़ आए, कभी पलड़ा कल्पना की तरफ झुक गया तो कभी पलड़ा सपना की तरफ झुक गया, लेकिन आखिरकार नसीब में सपना के साथ ही शगुन विधि लिखी थी। तो आप भी आइए, झूमिए नाचे गाइए और हिस्सा बनिए प्यारे लाल और सपना की शगुन विधि का। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। एक मिनट, अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।